सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यू चैनल। उम्मीद करेंगे आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सबका सही जा रहा होगा। हमारा भी बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे। तो गाइस, करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट अपने कमरे में। तो फिलहाल हमें जाना है आज मानसर लेक, जो कि जम्मू सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर और बहुत ज़्यादा हिल है। तो फिलहाल हम निकलते हैं घर से, रेडी होके मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय। तो ये देखो जी, फिलहाल तो हम निकलने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ मानसर लेक की ओर। बहुत ज़्यादा दूर है वो, मैंने पहले ही बोला आपको। तो फिलहाल मुझे जो है आज बैठना है, देखो कहाँ पर, आज एक बंदा ज़्यादा है हमारी गाड़ी में, तो मुझे बैठना है बैक सीट पे। तो ये देखो, फिलहाल हम निकलेंगे यहाँ से। तो ये देखो जी, फिलहाल तो हम निकलने वाले हैं यहाँ से। ये देखो मुझे कहाँ पे बिठाया। तो ये देखो जी, अब हम निकले सीधे घर से। ये देखो मुझे कहाँ पे बिठाया, बाकी सारे लोग आराम से बैठे। तो ये देखो पीछे का व्यू चेक करो गाइस, आज यहीं से ब्लॉग शूट होगा। देखते कहाँ तक मैं बैठ पाऊँगा यहाँ पर। फिलहाल जाते हैं यहाँ से सीधे आगे। ओ भाई देखो, जेड एक्सटेनर आ रही है, उस पर जो है फैज़ान भाई बैठे हैं, उसी की जेड एक्सटेनर है, वो आ रही है की ओर। उसको तो हम कोशिश करेंगे बुलाने की पहले। तो ये देखो भाई भी आ रहा है सीधे। ये देखो जी क्या भाग रही है जेड एक्सटेनर। ये देखो जी आगे फिर से फैजान भाई मिले। ये देखो, देखो जी फाइनली गाइस हम आ गए सिद्रा पॉइंट पे। देखो यहाँ पे हमें कौन मिला, फैजान भाई। ये देखो जी, ये रहे फैजान भाई यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? बस बढ़िया भाई। को सपोर्ट करो यार, तू मेहनत कर रहा था ना, उसे सपोर्ट करना चाहिए। भाई के चैनल को सपोर्ट करो भाई, हम भी करते हैं। चलो भाई है फैजान भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो? बस बढ़िया। ये देखो जी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस टाइम, मैं क्या ही बोलूँ आपसे। फैजान भाई भी हमें मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा एक ड्रीम जो है पूरा हो गया आज। ये देखो जी, हमने जो है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर क्रॉस किए। तो ये देखो यहाँ से कैसा रोड है। अब मैं ना बहुत ज़्यादा थक गया यहाँ पे, वहाँ तक तो मैं कंफर्टेबल था, अच्छा यहाँ पे, लेकिन अब जो बहुत अजाब हुआ मुझे यहाँ पे, मुझे लगता है कि अब सीट चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा आगे जाएंगे फिर करेंगे सीट चेंज। तो बाकी अब व्लॉग में बनते रहिए। हमने सीट करी चेंज, आरिज को बिठाया डिक्की में। तो फिलहाल मैं जाऊंगा आगे, मेरी जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ये चेक करो गाइस। हम पहुंच गए मानसर लेक। तो आरिज को बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तो ये देखो, ये रहा आरिज। तो भाई इसने तो जूते भी निकाले हैं जैसे घर में बैठा था। तो फाइनली ये भी निकलेगा उधर जब आई। अब ये देखो आरिज निकलेगा बाहर, तब तक के लिए आप यहाँ का व्यू चेक करो गाइस एक बारी। ये मस्त सा व्यू चेक करो, ये देखो जी क्या लग रहा है मानसर लेक यहाँ से। ओ भाई, तो ये देखो जी फाइनली हम जाएंगे, पहले थोड़ा सा आगे दिखाएंगे आपको वहाँ का व्यू। तो ये देखो हम चल रहे हैं आगे की ओर, यहाँ से जो दिख रही है फिश,
तो फिलहाल हम दिखाएंगे आपको वो। तो ये देखो जी, एक बार हम नीचे जाएंगे, ये देखो जी कितनी फिश है यहाँ पे। तो फिलहाल हम यहाँ से कुछ लाएंगे इनके लिए। तो ये देखो जी, यहाँ पे एक अंकल बैठे थे, उन्होंने बोला इनके लिए कुछ आटा ले लो, तो हमने खरीद के लाया आटा इनके लिए। तो ये देखो सारी फिशेज एक जगह जमा हो गई, हम डाल रहे थोड़ा सा इनको। तो ये देखो जी कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से, ये देखो। एक मेरी जो गाड़ी में हालात बहुत ख़राब हुई, उसकी वजह से मैं फिर बैठा पीछे वाली सीट में। पहले मैं बैठा था पीछे, जैसा कि आप सब ने वहाँ पर देखा कि हमें जो है वहाँ पर फैज़ान भाई मिले, बहुत अच्छा बंदा है, मतलब कि सारे व्लॉगर्स भाई अच्छे, लेकिन उसकी बात ही अलग है, बहुत शरीफ और बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो फिलहाल हम जाएंगे यहाँ से सीधे अंदर। तो ये देखो पहले यहाँ का व्यू बाहर से ही, सोने की मछली। तो ये देखो जी फाइनली हम आ गए दूसरे पॉइंट पे। तो ये देखो दूसरे व्यू पॉइंट पे आ गए। तो ये देखो यहाँ से भी बहुत मस्त लग रहा है, ये चेक करो जी पहले, फिर देखो मछलियों का सीन कुछ अलग ही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मछलियाँ और बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये देखो। फिलहाल हम जाने वाले हैं यहाँ से सीधे अंदर की ओर, मतलब कि वहाँ से जो गेट मेन गेट है वहीं से जाएंगे अंदर, फिर वहाँ से जो बोट्स वगैरह लगी है तो वहीं पर जाएंगे पहले, यहाँ से निकलेंगे सीधे। तो ये देखो जी हम कहाँ पे आ गए, दिस प्लेस इज जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ से। ये देखो पहले एक बारी चेक करो, ये देखो जी कितना मस्त नज़ारा है यहाँ से, बहुत प्यारा। देखो जी अब हम पहुँच गए यहाँ पे, अब हम चढ़ेंगे यहाँ से बोट में। तो ये देखो बोट है यहाँ पे, तो अब हम इसी में चढ़ेंगे और फिर जाएंगे वहां से आगे, दिखाएंगे आपको। पहले हम चढ़ेंगे इसमें। तो ये देखो जी गाइस एक राउंड मार के, तो पैर फिसल गए। तो ये देखो जी एक राउंड मार के तो हम आ गए वहां से। आज इसने नहीं माना आना, क्योंकि वो रूठा पहले, उसने बोला कि मैं खुद चलूंगा, हमने नहीं माना था। तो अब देखते हैं क्या सीन बनता है। फिलहाल तो मैं एक राउंड मार के आ गया पापा और उसके फ्रेंड के साथ, ये चेक करो जी हम आ गए वापस। ये आप सबने पहले ही देखा कि हम आए थे मानसर लेक, तो ये रहा मानसर लेक। तो हमने जो यहाँ पे बोट में जो राउंड दो तीन मारे, तो अब हम आए नीचे। बहुत ज़्यादा सर्दी लगी बोट में, क्योंकि लहरें उठी रही थी पानी की, तो उसकी वजह से अब हम आ गए सीधे नीचे। तो देखो यहाँ का व्यू मस्त है, बहुत मज़ा आया आज। फिलहाल हम जाते हैं यहाँ से आगे कुछ घाट में, वहाँ पे वहीं पे जाते हैं, मिलते हैं आपसे वहीं। आज ना हमें घूमने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि आज हम मानसर लेक आए थे, यहाँ से जो रास्ते का व्यू है बहुत मस्त था, मतलब सुकून मिलता है, वहाँ से जंगल्स भी थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ से चलने में। तो फिलहाल हम चल रहे हैं आगे, हमने सुना वहाँ पे कि कुछ गार्ड ने आगे, हम जा रहे हैं वहीं की ओर। मैं अकेला हूँ इस टाइम, वो सारे वहीं पे हैं। तो ये देखो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है व्यू, ये देखो साइड से ना कम ही लोग हैं, क्योंकि वो वहीं पे रुकते हैं जी। हम रुके यहाँ पे, छोटा सा गार्डन है यहाँ पे, हम रुके यहीं पे। ये देखो आगे सुनने में मिला कि आगे वो और एक गार्डन है, वो बड़ा है, लेकिन वहाँ तक जाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दूर है, 1-2 किलोमीटर है, पैदल जाना है, इसीलिए फिलहाल हम रुके यहीं पे। यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू है, तो फिलहाल हम रुकेंगे 5-6 मिनट यहाँ पे, कुछ रील्स वगैरह शूट करेंगे, तो फिर निकलूंगा मैं यहाँ से सीधे वापस। 2000 years later। तो ये देखो जी फाइनली हम वापस आ गए बोट में आरिस के साथ, और एक राउंड मारने उसने जो है माना अब बोट में चढ़ना है ऐसे। तो फिलहाल मैं खुद चला रहा हूँ, आरिस भी चला रहा है साथ। तो ये देखो जी, हंसो हंसो अब थोड़ा, तो ये देखो जी फाइनली हम घर निकले वापस मानसर लेक से घूम के, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, फुल पावर एंजॉय किया हमने, कुछ मज़े भी हुए वहाँ पर, मतलब बारिश का सीन भी हुआ, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिलहाल हम यहाँ से निकलेंगे सीधे, मिलेंगे आपसे आगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हम पहुंच गए वापस जम्मू के हाईवे पे NH44 रहे थे। तो ये चेक करो गाइस यहाँ का व्यू, इवनिंग व्यू। हमें बहुत ज़्यादा लेट हुआ वहाँ पे, आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा दूर था, तो हमारी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाड़ी में, मतलब कि थक गए थे हम, तो उसकी वजह से हमें आराम आया था गाड़ी में। तो फ़िलहाल हम उसी के साथ पहुँच गए बहुत आगे। तो ये देखो मतलब घर के करीब पहुँच गए हम, कुछ ही टाइम लगेगा यहाँ से, 5-10 मिनट अगर ट्रैफिक नहीं होगा, अगर होगा तो फिर 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो ये देखो जी, आप व्यू चेक करो यहाँ से कितना मस्त आ रहा है इवनिंग में। तो फिलहाल हम जाएंगे यहाँ सीधा। तो ये देखो जी आगे आगे चल रही है एंडीवर, तो उसके आगे चल रही है फॉर्चुनर एक, और ब्लैक क्रेटा चल रही है साथ हमारी। तो ये देखो क्या लग रही है तीनों बवाल। तो फिलहाल तो हम जाएंगे यहाँ से सीधे आगे, फुल मॉडिफाइड एंडीवर। देखो जी जैसा कि आप सबको पता है कि हम गए थे आज मानसर लेक, बहुत ज़्यादा थक गए हैं वहाँ से, मज़ा बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, फुल पावर किया, लेकिन सफ़र दूर था उसकी वजह से हम गाड़ी में भी थक गए, वहाँ पे भी चलना पड़ा, तो हमारी हालात इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया। वहाँ से आके हमने बहुत टाइम आराम किया पहले, अब हम निकले शाम को बाहर, कुछ चीज़ें लग दी हमें उसकी वजह से हम निकले बाहर अब शाम को। ये देखो व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। करते अपने इस वाले ब्लॉग को यही पैन, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।